मैं अविनाश कागिनकर मुंबई घाटकोपर वेस्ट असलफा से हूँ। मेरे पिताजी को तकलीफ 4-5 सालों से है, जो कान में उनके बहुत रात को ऐसे आवाज़ आते थे 24 घंटे, और आवाज़ भी ऐसे जैसे कुकर की सीटी बजती है उस तरह से आवाज़ आते थे। वो सो नहीं पाते थे, परेशान थे, और पिछले 4 सालों से हमने हर जगह ट्रीटमेंट करवाया, तकरीबन 3 सालों से करवाया, तो उसमें कुछ इलाज में कुछ इम्प्रूव नहीं हुआ उनके, मतलब तकलीफ तो और बढ़ती गई, कम तो हुई नहीं है। कम से कम हम लोगों ने 11 से 12 लाख रुपए खर्चे करवा दिए और उसमें से इम्प्रूव तो कुछ हुआ नहीं, उल्टा तकलीफ ज़्यादा बढ़ गया उनका। साइंटिस्ट मुनीर खान का तो मैंने टीवी पे उनका देखा था जब वीडियो जो, तो उन पर मुझे ट्रस्ट हो गया, लेकिन मैं बोला जब लूँगा तभी मुझे मालूम पड़ेगा कि इस पर फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। फिर भी हमने ट्रायल बेस पे एक कर लिया, जो भी शायद थोड़ा अफोर्ड नहीं करता हम लोग को, लेकिन हम लोग ले लिया। लेकिन बाकी दवाई से तो ये बहुत 100 गुना अच्छा है, और उसको तकलीफ पापा की तो बहुत कम हो गई, हम लोग की बहुत रिलीफ हो गया। अभी कंटिन्यू मैं दवाई ले रहा हूँ उनसे, तकलीफ कम से कम होते जा रही है, और हम लोग का पापा की बेचैनी देखी नहीं जाती थी, अभी इतना तकलीफ कम होने के बाद हम लोग खुश है सब। जो मेरी माँ को भी बहुत तकलीफ होती थी, वो बेचारी उनका कर करके जो भी करना है वो करती थी, लेकिन इलाज कुछ होता नहीं था। अभी इसमें से इतना अच्छा इम्प्रूव हुआ है कि हम लोग बिलीव नहीं कर पाते कि ऐसा भी कुछ जादू हो सकता है दवाई में। अरे वो ग्रेट पर्सन है, उनके बारे में कहना कम है, तो उनके बारे में कुछ बोल नहीं सकता हूँ, इतने बड़े आदमी हो। और इतना आने के बाद भी वो अच्छे हर से हम लोग के, मतलब एक आधा डॉक्टर भी नहीं बात करता इससे, इससे अच्छा बात करते हैं हमसे वो, इतने बड़े आदमी होने के बाद। तो सवाल ही नहीं होता है कि इनसे बारे में कुछ बोल सकते हैं हम लोग, हम बहुत छोटे पड़ते हैं उनके बारे में।